धर्म सिंह सैनी, वो भी सरकार, उनको जो आवास मिला था, सिक्योरिटी मिली थी, वो उन्होंने वापस कर दी है। हो सकता है कि जल्द ही वो भी इस्तीफा दे दें। तो यूपी में एक और मंत्री के बगावत, और इसी के साथ साथ अगर धर्म सिंह सैनी वो नाम जुड़ जाता है तो तीन हो जाती है संख्या जिन्होंने इस्तीफा दिया है, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद दारा सिंह, और उसके बाद तीसरा नाम धर्म सिंह सैनी का होगा। उन्होंने सरकारी आवास अपना लौटा दिया है, सिक्योरिटी वापस कर दी है, जिसके बाद सुगबुगाहट तेज की जल्द ही वो भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई विधायक बीजेपी का साथ छोड़कर गए, वहीं दूसरी तरफ कई मंत्री, यानी तीन मंत्री अगर हो जाते हैं, अगर धर्म सिंह भी चले जाते हैं तो तीन हो जाएंगे, ये आंकड़ा तीन का हो जाएगा। यूपी के एक और मंत्री के बगावत की खबर अभी सामने आ रही है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, धर्म सिंह सैनी भी अगर चले जाते हैं तो तीन मंत्री हो जाएंगे जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्टी से, दो तो पहले ही दे चुके हैं, ये तीसरे हो जाएंगे? बिल्कुल अर्पिता, ये तीनों एक साथ थे, एक साथ ही भाजपा में भी आए थे और अब एक साथ ही लगभग भाजपा से वापस सपा जा रहे हैं। तीनों बसपा के बड़े नेता थे और ये तीनों पिछड़ी जाति से थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जा चुके हैं और आज लगभग ये भी तय हो गया है कि धर्म सिंह सैनी भी किसी भी वक्त बीजेपी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, अपना घर वापस कर दिया है, अब इंतजार उनके भी खटका है। इस बीच जो एक और विधायक है विनय शाक्य, जो कि विदोना से विधायक है और औरैया के, उन्होंने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है और उन्होंने भी वही बातें कही हैं, पिछड़ों, दलितों, वंचितों की उपेक्षा का आरोप लगाया है, नौजवानों और व्यापारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्होंने छोड़ा है और उन्होंने भी वही बातें लिखी है कि वो जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वो उनके साथ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रेंड अभी पिछले दो दिनों से शुरू हुआ है, दरअसल सब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक विधायक हैं जो कि उनके साथ आए थे और अब उनके साथ ही पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। कुमार अभिषेक, जैसा आप बता रहे हैं कि तीनों साथ ही आए बीजेपी में और साथ ही छोड़ के भी जा रहे हैं, कुछ और भी नाम हो सकते हैं क्या फिर जो साथ में ही आए हों, या इनके ही स्वामी प्रसाद मौर्य के ग्रुप के बताए जा रहे हो? क्योंकि कहा जा रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य तो जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही था कि कितनों को ले जाएंगे वो साथ? देखिए, अभी कुछ लोग और पार्टी छोड़ेंगे। दरअसल इस वक्त दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है उस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि किनका टिकट बचता है और किनका टिकट कटता है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके टिकट कटने वाले हैं और जिनके टिकट कटेंगे वो जाएंगे। बेशक उन्हें सपा में टिकट मिलता है या नहीं मिलता ये बात की बात है, लेकिन बहुत सारे नेताओं के टिकट कट रहे हैं। बिल्कुल कुमार अभिषेक, यानी नेताओं के टिकट कट रहे हैं, विधायकों के टिकट कट रहे हैं, जिससे नाराजगी दिख रही है और बीजेपी को छोड़कर अब दूसरे दल के साथ जाने को तैयार दिख रहे हैं ये नेता और ये विधायक।